Mr. Salim bhai. Driver. सर, ब्रेकिंग न्यूज। हजारों लोग मौत से जूझ रहे हैं। शिट। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कमर्शियल इलाके सबके सब चेक करो। यस सर। कोई भी बच के ना निकल ले पाए। यस सर। सारे इलाके सील कर दो, वो शहर में ही होंगे, जाने ना पाए। यस सर। गो फास्ट। यस सर। निकल गया। गुण, गुण, गुण। क्या है सर? कंट्रोल रूम से बोल रहा हूं। गार्डन सिटी, ग्रीन सिटी, श्रीकांत सिटी का नाम बदल के अब इस शहर का नाम बम सिटी और माफिया सिटी होने वाला है। शेम ऑन अस। सर, बैंगलोर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर हम यही कहेंगे तो सब बातों में रह जाएगा। इसे रोकने का रास्ता क्या है? ऐसे लोगों का नामो निशान मिटाने के लिए एसीपी विक्रम राठौर, मुजरिमों का दुश्मन।
लिए मजे करो बिंदास, रात दिन सुबह शाम मजे करो बिंदास, यार ले लो अरे दे दो सब कुछ करो फुल फुल बिंदास 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 बिंदास। How be your life जिए मजे करो बिंदास, रात दिन सुबह शाम मजे करो बिंदास। करो बिंदास, रात दिन सुबह शाम मजे करो बिंदास। Hey, hey, wari mariyo. Anytime, anywhere, nanna manasige. Tochittu maduvattu nanna policy bindas. 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 Kudi bindas. Disco party me nacho nacho. Bas nacho bindas. जो भी चाहो खाओ सेहत बनाओ बिंदास, लिमका सोडा कोका कोला पियो प्यास बुझाओ बिंदास। How be your life जियो मजे करो बिंदास, रात दिन सुबह शाम मजे करो बिंदास, प्यार ले लो प्यार दे दो सब कुछ करो भुला भुला बिंदास 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 बिंदास। क्या हाल है मिस्टर शर्मा? शर्मा नहीं वर्मा। वर्मा हो या शर्मा हो, हाँ जरा 10 टिकट देना। क्यों दो टिकट? मैं विक्रम राठौड़ एसीपी। नमस्ते सर। मैं एसीपी नहीं हूँ, एसीपी ने टिकट मंगवाया है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है क्या? उनकी बीवी शिव राजकुमार की फैन है, इन सब से तुम्हें क्या करना है? अगर शक है तो साहब को फोन करके बात कर लो। नहीं सर, नहीं सर। एक ही फैमिली को 10 टिकट? मैंने क्या कहा, एक ही फैमिली है, जितनी जगह उनका ट्रांसफर हुआ हर जगह उनकी एक एक फैमिली है, तो हिसाब कर लो। वो तो ठीक है, पैसे कितने हुए? सर रहने दो, कोई बात नहीं, साहब जब आ जाएंगे तो परिचय करा देना। किस लिए? उनसे कोई डील करनी है क्या? यूं ही सर, कभी जरूरत पड़ जाएगी तो काम आ जाएंगे। उसके लिए पहचान की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो कहीं भी उनका नाम इस्तेमाल कर सकते हो मेरी तरह।
गुरु हमको भी 3 टिकट चाहिए। हाँ कितनी? 3 टिकट का 300 रुपया। गुरु कम नहीं होगा? गुरु टिकट दो ना, दो। अच्छा दे दो टिकट। भारत गली। ये कौन सा इलाका? ये नहीं, तेरा कौन सा इलाका? ये अपुन ने पूछा। सारा कर्नाटक मेरा ही है। नो बीपी, बी हैप्पी, बिंदास रहने का। टिकट 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 टिकट, बालकनी टिकट, बालकनी टिकट टिकट। अपुन के इलाके में कहा है? ए चलना रे। टिकट 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 टिकट, बालकनी बालकनी, 150 150। अब उनके बोलने के बाद भी मेरे इलाके में टिकट बेचता है हद तेरे की। हाथ लगा दिया ना, छे बहुत गलत किया तूने। मेरे को कोई हाथ लगाने के बाद कितना कितना? हाँ 100 150 150। हाँ बालकनी बालकनी। स्टेशन वर्सोवा इन्फिनिटी सिनेमैक्स में मवाली लोग झगड़ा करता है। गुरु 100 रुपए ही है, एक टिकट दे दो ना गुरु। अरे यार 100 रुपए में बालकनी की टिकट नहीं दे सकता, बोलो ना तेरे को चलट। यही तो सोच रहा था, अभी तक आप लोग आए क्यों नहीं? क्या टाइमिंग है सर आपका, लास्ट पंच तक आप लोग पहुंच ही जाते हैं, ये सब कैसे करते हैं? चल जीप में बैठ, फिर तेरे को बताता है। चल सर 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 2 मिनट सर। ए इधर आ बे।
ये ले गुरु, पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे फैंस और भी हैं, जाओ मजा करो। थैंक्स गुरु। चलिए सर। बंद करो। एसीपी को जानते हो? जानने वाली कौन सी बात है, कोई फिल्म स्टार है क्या वो? विक्रम राठौड़ को जानते हो? क्या, कौन है वो? मैं हूँ सर। प्लीज टू मीट यू सर। हे हे, क्या झक्कास बॉडी है सर, क्या मेंटेन करके रखा है। पीसी राजा, एक कॉफी, 1/2। खड़े रहो। ओके सर, ओके। क्यों, टिकट ब्लैक करने के लिए तू मेरा नाम यूज कर रहा था? मैं डायरेक्ट मांगूंगा तो वो देने वाला थोड़ी था, इसलिए आपके नाम का इस्तेमाल किया। सर, मुझे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है मैं गवर्नर का नाम यूज करता हूँ, चीफ मिनिस्टर का नाम यूज करता हूँ, इतना ही नहीं प्राइम मिनिस्टर का नाम भी यूज कर चुका हूँ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया सर। अगर आपको मेरे नाम की जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सर। एक नंबर का बदमाश है। ओ भाई साहब, एसीपी और मैं बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? सर, टेंशन नहीं लेने का। ये कैसा इंसान है ये? मैं कौन हूँ? ये क्या सवाल पूछ लिया सर आपने? सर, अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो मैं पूरी जिंदगी की दास्तान सुना देता हूँ। सॉरी सर। ये काम मैंने अभी स्टार्ट किया है सर। इससे पहले क्या करते थे? जेब काटता था सर। क्या, पिक पॉकेट? सर, पहली बार मैं एक जेब काटने के लिए उसकी जेब में हाथ डाला, सेम टाइम में मेरी जेब में किसी और का हाथ आया सर। जब मैं उसको देखने के लिए मुड़ा तो वो बुजुर्ग इंसान सर, उन्होंने मुझसे क्या कहा आप जानते हैं सर? चोरी करना अच्छी बात नहीं है बेटा, इससे इज्जत चल ली जाती है। जो पैसा तुम चोरी करते हो वो बच्चों की फीस हो सकती है, दवा का हो सकता है, महीना भर कमाया हुआ मेहनत का पैसा परिवार चलाने के लिए होता है। वो मेहनत का पैसा खोने के बाद सामने वाला तो सर्वनाश हो जाएगा। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया सर, आज के बाद किसी की जेब नहीं काटूंगा सर। उसके बाद टिकट ब्लैक करने का धंधा शुरू कर दिया है? सर, अभी मैंने कहानी में स्टॉप नहीं लगाया है, अच्छे लड़कों की तरह एक अच्छा काम करने लगा सर। पेट्रोल पंप पे सर्विस सर, सभी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल ऑयल, जिंदगी अच्छे से चलने लगी। इस तरह 20 दिन गुजर गए सर। एक दिन जोरदार बारिश, बिजली, तूफान की तरह आप लोगों के कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच गए सर। इतनी बारिश में पेट्रोल फुल कर दिया, टाडा के कानून के तहत मुझे अरेस्ट कर लिया। ए, चुपचाप चल। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने जेब काटना बंद कर दिया है सर। ए, सदाशिव नगर में 10 लोगों की जेब काटी गई है, उन 10 परसों में एक मेरी बेटी का भी है। आपकी बेटी की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैंने जेब काटने को गुड बाय कर दिया है सर। मैं पिछले कई दिनों से पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा हूँ सर। मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार हूँ। चल अंदर सर। चल अंदर। तबीयत से धुलाई की सर। फिर से वही स्लेट, वही फोटो। 4 दिन के बाद सर असली आदमी पकड़ा गया, वो अंदर मैं बाहर। इसके बाद क्या करूं सोच ही रहा था कि भगवान ने मेरी मदद की सर, कॉफी डे में नौकरी मिल गई सर। लोगों को ठंडा पिलाते पिलाते 20 दिन और कट गए सर। दोबारा फिर वही बिजली और तूफान? नहीं सर, फिर आपके रिश्तेदार वहां पहुंच गए। क्या हुआ सर? चल मैं बताता हूं तुझे। कल गांधीनगर में कितना पर्स उड़ाया रे? गांधीनगर में कोई पर्स रखता ही नहीं सर, सबके हाथ में ब्रीफकेस होता है। जल्दी बता, बात मत कर, समझा? सर, कॉफी किसको कितनी दी ये पूछेंगे तो बता सकता हूँ। तुझे ट्रीटमेंट देने के बाद ही तू मुंह खोलेगा, मैं समझ रहा हूँ। फिर जम के धुलाई की सर, उसके बाद वही स्लेट, वही फोटो। भगवान जाने उस इंस्पेक्टर को मुझसे क्या दुश्मनी पता नहीं, सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया सर। फिर ओरिजिनल पकड़ा गया, वो अंदर मैं बाहर। लेकिन इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया सर। मैंने भी उससे गुस्से में कहा, अरे मुझे लग रहा है यार, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसने क्या कहा? एक बार सिलेट पकड़ लिया, फिनिश्ड। पुलिस रिकॉर्ड और गिनीज बुक रिकॉर्ड दोनों एक ही हैं। इस इलाके में कोई भी पिक पॉकेट करेगा तुझे ही अरेस्ट करूंगा, समझ गया ना? ठीक है ठीक है, आज के बाद से टिकट ब्लैक मत करना, जाकर कोई अच्छी नौकरी कर लो। चलो जाओ यहाँ से, आउट 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 आउट। क्या सर, मुझे कौन नौकरी देगा सर? आप मुझे नौकरी दिला दो सर, आपके पैरों का जेरोक्स निकाल के उसकी पूजा करूंगा सर। कहानी पूरा घुमा दिया। शादी कराने आया पंडित लड़की को ही अपने दुल्हन बना बैठा। सर, अगर इस शहर में मुझे रहना है तो पुलिस से पंगा नहीं चाहिए,
इसलिए आज से आप मेरे भगवान भी आप ही हैं और गॉडफादर भी आप। एक काम दिला दो सर, ये गरीब सुकून से जी लेगा सर। आपको अगर अर्जेंट लगता है तो कोई बात नहीं सर, मैं आपको 10 दिन का वक्त देता हूँ। 10 दिन सर, इतने दिन में आप मुझे काम दिलवा दो। जो मेरी जेब में है वो 10 दिन तक चल जाएगा सर। उसके बाद आपकी कसम और ऊपर वाले उस भगवान की कसम, मैं किसी की जेब नहीं काटूंगा, कोई टिकट ब्लैक नहीं करूंगा सर। सर हमेशा आपके कंट्रोल में रहूंगा सर। बी हैप्पी सर, नो बीपी, बिंदास रहने का। चलता हूं सर। दिमाग में हाथ डालने की कोशिश करो तो सीधा दिल में घुस जाता है। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे भाई दर्द। वो आ रही है। अरे किधर, उधर देखो। प्यार से इसे कबूल करके अपने प्यार का इजहार करो। फूल देने वाले लड़के प्यार मोहब्बत के नाम से लड़कियों के पीछे घूमने वाले चपोरी होते हैं। ये मुझे पसंद नहीं। मैं कितने बार तुम्हें समझा चुकी हूँ इडियट, गेट लॉस्ट। प्रीति, जीजू, हाँ, दीदी बहुत हाई लेवल की है। नो, प्रीति के प्यार में कोई लेवल नहीं है। साले साहब बताओ मैं उसे कैसे बताऊं। भाई उसकी क्या पसंद है पता लग जाए तो। पता लगाओ। मैं जानता हूँ, दीदी पेंटर है। चले, ये पता चलने के बाद उसको कैसे पटाना है मैं जानता हूँ। ये है सलीम, इंटरनेशनल टेररिस्ट। सारे देश के पासपोर्ट इसके पास हैं। कौन से देश में किस गेटअप में रहेगा कोई नहीं जानता। अलकायदा मेंबर, पता चला है दुबई में रहता है। ये हमारे देश में आ गया तो कुछ न कुछ अनर्थ करके ही जाएगा। ये डी है, इंडिया का खतरनाक नंबर वन क्रिमिनल। सलीम इंडिया में इसी को सारे ऑर्डर्स देता है। एक तरह से कहा जाए तो सलीम के लिए डी इंडिया में एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। इसका नाम है किटी, डी का पक्का राइट हैंड, लोकल सारे धंधों का यही लीडर है। ये है शार्प शूटर। ये है किशोर, पहले डी के साथ सलीम के लिए काम करता था। ऑफिसर्स, इस किशोर गैंग में और डी गैंग में हमेशा गैंग वॉर चलता रहता है। कब किस वक्त किसका कहां खून हो जाए, बम ब्लास्ट कहां पर हो जाए, उनमें इनका हाथ होना मामूली बात है। लेकिन द एंटायर सिटी इज अंडर टेररिस्ट अटैक। गवाह, सबूत, सबको इकट्ठा करके उन्हें रंगे हाथों पकड़ के अंदर करना। उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिले और उनको हम पकड़े उससे पहले वो बच जाते हैं। वी आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, वी आर लैंडिंग अंडर हेल्पलेस सिचुएशन। Mr. Rathore, yes sir, we must do something for this. Yes sir, I'll do my best. ए मेरे दिल की मलिका प्रीति,
प्यार से देने के लिए आया हूँ तोहफा मैं तुझको। मेरा नसीब। अरे नसीब को क्यों कोस रही हो, प्यार करो प्यार। प्रीति तुम्हें देने के लिए मैं ये ब्रश, ये पेन सब लाया हूँ, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। ओ गॉड मेंटल पेशेंट। प्रीति मुझे छोड़कर मत जाओ। दीदी को तुमने चूना लगाने वाला पेंटर समझा क्या? वो चित्रकार है। हाँ। अब वो चली गई तब बता रहा है, पहले नहीं बता सकता था? मैं जब ये सब सामान खरीद रहा था तब तेरे मुंह पे ताले लगे थे क्या? के बच्चे ची ची। दीवार पे पेंट लगाने वाले को पेंटर बोलते हैं, जो चित्र बनाते हैं उनको भी पेंटर बोलते हैं। इसलिए इंग्लिश भाषा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारी हिंदी भाषा की एक एक लिपि का अर्थ होता है। इसलिए मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम से मैं हमेशा हिंदी में ही बात करूंगा। जय हिंदी। हेलो प्रेमा, मिस प्रेमा। मैं प्रेमा? नहीं मैं प्रेमा नहीं, प्रीति हूँ। प्रीति हो या प्रेमा दोनों का माने तो एक ही है ना। ये लो। क्या है ये? फोन नंबर। किसका है? वो क्या है, वो जो खिड़की में बैठा है ना, वो कह रहा था कि तुम्हारा रिश्तेदार है, अर्जेंट फोन करने के लिए कहा है। ए, वो मेरे डिपार्टमेंट का फोन नंबर है, जल्दी दे। हाँ हाँ दे दिया, दे दिया, मैंने कह दिया वो फोन करेगी। अरे तुझे बात समझ नहीं आ रही है क्या? मुझे अर्जेंट फोन करना है। अरे हाँ हाँ कर देगी कर देगी। मैं उसके पास क्या बात है? मैं क्या जानू, फोन करके देख लो पता चल जाएगा। उसको मेरा फोन नंबर है, दे दे बाबा। ओके ओके दे दिया हूँ। अच्छा चलता हूँ। बोल देती हो। देख मम्मी तुम बूढ़ी कहाँ हुई हो, चल ना। हेलो प्रीति हो? जी हाँ। मैं कौन हूँ तुमने पहचाना नहीं? वो जो कल रास्ते पे तुम्हें चिट्ठी पर फोन नंबर लिख कर दिया था ना। कल तो मैंने आपके नंबर पे फोन किया था। फोन करने के लिए ही तो नंबर दिया था। कौन हो तुम? I am शिव। अकल वकल है कि नहीं? एक लड़की से झूठ बोल के उसका नंबर लेने में तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ शर्म क्यों, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारा नाम पूछता, तुम्हारा नंबर पूछता और कहता मोबाइल नंबर दो तो तुम क्या देती? नहीं देती। इसीलिए तो मैंने नई टेक्निक यूज की, तुम्हारा नाम भी जान लिया और नंबर भी ले लिया। यही तो बिंदास आइडिया है। वाओ, बिंदास आइडिया मतलब यही है क्या? ए, बहुत नाटक हो गया तेरा। किससे बात कर रहा है तू जानता है क्या? स्टूपिड, फोन रख दे तू। ओह समझ गया, छोड़ो। आराम से बात करोगी तो तुम्हें प्यार हो जाएगा, इसी बात का डर है ना? तुम भी वही हो दूसरी लड़की की तरह। ए, दूसरी लड़कियों से मेरा कंपेयर मत करना। This is Preeti and Preeti is different. हाय, different काहे की different? तुम में तो बात करने की भी स्टाइल नहीं है। एक घंटा तुम मेरे सामने बैठ के बात करो, तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगी। क्रिकेट फार्मूला। ओए, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। तुम जो भी हो ना, मेरे सामने तुम्हारा खेल नहीं चलने वाला। ये बात है, सिर्फ मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डाल के आधा घंटा बैठ के दिखाओ। गुड कैच। ओए, आधा घंटा नहीं आधा दिन बैठूंगी तभी। ये प्रीति डिफरेंट है, तुमसे कहा था ना।
बताओ कहाँ हो तुम? तुम पूछ रही हो तो बताए बगैर कैसे रह सकता हूँ? आरे नगर कॉफी डे में हूँ। Within five minutes Preeti is going to be there. You wait and watch. समझ लेना, you are dead. नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, कौन से एंगल से? मुझे पाठ पढ़ाने वाले सब मेरे गुरु हैं। मैंने तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाया? प्रेम पाठ। मैं जिंदगी में कितनी लव स्टोरी पढ़ चुका हूँ, रोमांटिक फिल्में देख चुका हूँ, उतना ही नहीं मैं टीवी के सामने रात दिन बैठकर कितने लव एपिसोड देख चुका हूँ। इन सभी में लड़के लड़कियों का बकरे की तरह पीछा करते हैं, लेकिन तुम्हारे मैटर में लड़की को तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर रहे हो, ये न्यू स्टाइल है। मदर प्रॉमिस, ये मैं किसी कहानी में पढ़ा भी नहीं और कहीं देखा भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें गुरु बोलता हूँ। ये तो सिर्फ सैंपल है बस। व्हाट? इसका मतलब प्यार के अंदर बहुत बड़े बड़े करामात हैं क्या? जिसका ये पहला एपिसोड है, ये कौन सा स्टाइल है गुरुजी? बिंदास स्टाइल। बिंदास स्टाइल, ये तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? ओनर। ओनर? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। ये भी सही है गुरुजी, सारी लड़कियाँ तुम्हें ही घास डालती है, ऐसा क्या है तुम्हें? कॉफी डे के बाहर खड़े होकर हमारी कॉफी कैसी लगी पूछते हो क्या? नहीं, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बुलाता, वो खुद आ जाती हैं। आहा, गुरुजी, तुम्हारे पास तो आइडियो का खजाना है, तुम जो भी करोगे मैं उसी को फॉलो करूंगा। डील ओके, थैंक यू। प्रीति, फोन तुमने किया था ना? हाय प्रीति। तुम्हें शिव हो ना? जी हाँ, बैठो ना। हेलो, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। ओहो, तो क्या इस तरह खड़े रह के ही प्यार की शुरुआत करनी चाहिए? ए, मैं प्रीति हूँ, प्रीति, प्रेमा नहीं। दोनों एक ही है मैडम, प्यार करने के लिए प्रेम का होना जरूरी है, प्रेम करने के लिए प्यार का होना जरूरी है। ये प्रीति और प्रेम दोनों जुड़वा बच्चे हैं, प्यार को छोड़ के प्रेम नहीं रह सकता, प्रेम को छोड़ के प्यार नहीं रह सकता। मैडम, ये सारी दुनिया टिकी है प्यार पे और मैं टिका हूँ तुम्हारे प्यार पे। यू? ठीक है, ये प्यार व्यार की बातें बाद में, पहले तुम बैठ तो जाओ। मैं नहीं बैठती। तुम इस वक्त 100% मोहब्बत में बोल रही हो। बैठ के बात करने में प्यार में कुछ कमी आ जाएगी क्या? मैं मोहब्बत भी नहीं और प्यार भी नहीं करती। लो अब मैं बैठ गई, जो भी बोलना है फटाफट बोलो, 5 मिनट नहीं पूरे 1 घंटे बैठूंगी। बोलो क्या बात करना है तुम्हें, बोलो। Your time starts now. Yes, जरा सुन जरा ए यार तो दिल की सुन जरा ये अदा ये जलवा बाबा रे, जरा 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 सुन जरा ए यार तो दिल की सुन जरा ये अदा ये जलवा बाबा रे। ये लड़की कोई तितली मेरे दिल पे करे जादू, ये दिल डोला रे होले 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 रे। आके तेरी जुल्फे तेरी तेरा चेहरा प्यारा रे, मारा गया मैं लुट गया कोई दे तू इशारा रे।
कैसे जियो अब बिन तेरे कुछ कर करम ओ जानम तन मन में तू धड़कन में तू छाने लगी है जानम ए ओ, 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 ए ओ, 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 जरा 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 सुन जरा ए यार तो दिल की सुन जरा 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 सुन जरा ए यार तो दिल की सुन जरा ये अदा ये जलवा बाबा रे ये लड़की कोई तितली मेरे दिल पे करे जादू ये दिल डोला रे होले 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 रे देखा तुझे मेरा दिल गया मुझे प्यार हो गया रे बेखुदी पढ़ने लगी मेरा चैन खो गया रे दिल कहीं लगता नहीं क्या करे हम क्या करे और कोई जगता नहीं क्या करे हम क्या करे जरा 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 सुन जरा ए यार तो दिल की सुन जरा 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 सुन जरा ए यार तो दिल की सुन जरा ये अदा ये जलवा बाबा रे ये लड़की कोई तितली मेरे दिल पे करे जादू ये दिल डोला रे होले 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 रे अब जान गए ना प्रीति क्या चीज है दिस इज प्रीति माइंड इट बेवकूफ कहीं का मुझे चैलेंज करता है मिस्टर व्हाटएवर चंदा मामा इस धरती के लिए जिस तरह से एक है ना उसी तरह मुझे प्यार करने वाला एक ही होगा चांद को तो मैं जमीन पर नहीं उतार सकता लेकिन तुम्हें वहां जरूर लेके जाऊंगा गुड बाय मैंने सोचा था वो तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पिएगी लेकिन ये तो उल्टा हो गया गुरुजी तूने ऐसा सुना क्या हाँ मुझे लगा वो गुड बॉय बोल के गया इसका तो रूट ही अलग है गुड मॉर्निंग मिस्टर भट्ट गुड मॉर्निंग सर नो 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 ओके ओके लेटे रहो प्लीज प्लीज सिट डाउन सर थैंक यू आप कैसे हो आई एम बेटर सर अब जो तीन दिन के अंदर बैंडेज बदलने के लिए कहा है जितनी जल्दी हो सके ड्यूटी ज्वाइन करके आपके साथ रह के उन कमीनों की लाश गिरा दूंगा सर दैट्स गुड ऐसे ही है सर ड्यूटी पे जाना है उनको पकड़ के गवर्नमेंट के हवाले करना है यही बात दिन भर रटते रहते हैं शरीर पे भले ही खाकी ना हो इस वक्त लेकिन दिल में अब भी वही है सर डिसूजा साहब एक सेंसियर ऑफिसर थे बहुत अच्छे इंसान थे उनका मेरी आंखों के सामने खून कर दिया उन पापियों ने सर वो अब भी मेरे दिमाग में है नहीं छोड़ूंगा उनको अरे नहीं छोड़ूंगा सर नहीं छोड़ूंगा कंट्रोल सर आई एम सॉरी सर उस मंजर को जब भी याद करता हूँ तो मेरा मेरा खून खोल उठता है सर सॉरी तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ अभी तुम आराम करो ओके तुम यहाँ कैसे आप जहां भी जाएंगे मैं पीछे आऊंगा सर तुम क्या चुंबक की तरह हैं? ये बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ सर मैं स्टेशन गया था आप वहाँ नहीं थे हवलदार को 100 रुपए थमाया उसने बता दिया कि आप यहाँ हैं।
सर 5 दिन हो गए, कहीं आप भूल तो नहीं गए, इसलिए याद दिलाने आ गया था सर, बस सर। तो सिपाही का नाम क्या है? नहीं बता सकता सर, ये तो सीक्रेट बात है, उसका नाम बता दिया तो दोबारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा सर। सर आपने मुझे काम दिलाने का वादा किया था, देखो मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा है। ये क्या है? हाँ टेंशन की जरूरत नहीं, बी हैप्पी नो बीपी बिंदास रहने का। अच्छा सर चलता हूँ सर। हिलना नहीं खबरदार। हेलो। हाय प्रीति, कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। यस, हमेशा से प्रीति ही जीतती आई है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि मैं भी तो नहीं हारा। ए बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ 1 घंटा रहने के बाद भी मुझसे नहीं पटी, इसका मतलब तुम्हारा कोई और। What? कोई और तुम्हारा लवर होगा? ए पागल, तुम मेरे लवर हो? मैं किसी से प्यार नहीं करती, प्यार के बहाने मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना तुम। ए तेरा नाम ही प्रीति है और तेरा कोई लवर नहीं, मैं कैसे मानूं? तुम्हें मानना पड़ेगा, मेरा कोई लवर नहीं है, मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? कहाँ पर हो तुम? कहाँ पर हो तुम? अरे वहीं, सेम प्लेस, कॉफी डे। अभी वहाँ आकर प्रूफ करती हूँ, वहीं रहना, वहीं रहना तुम। वो इसको प्यार नहीं करती है ये अच्छी तरह से जानता है, लवर कह कह के उसे भड़का दिया है। प्यार में फंसाने का ये दूसरा एपिसोड है उस लड़की का। क्या यार, क्यों दिमाग खपा रहे हो? ना ना, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रहा हूँ, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। अच्छा गुरुजी, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ऐसा बोला तुमने, भला ये कौन सा सिस्टम है? नेशनल हाईवे। हाँ? तुम मुझे बस फॉलो करते रहो, समझ जाओगे। यू मीन लड़की तुम्हारे जाल में फंसेगी? उसे आना ही होगा। हाँ? वो भी अकेली नहीं। तो फिर पूरी फौज के साथ आएगी? लड़कियों के साथ। यू मीन आइटम? पहला। गुरुजी वो देखो तूफान की तरह आ रही है। नहीं आती तो टेंशन लेना जरूरी था, आ गई तो काहे का टेंशन। कमॉन कमॉन, कॉफी डे में आने के लिए इतना अर्जेंट काम क्या आया? मुंह बंद करके मेरे साथ चल। हेलो मिस्टर शिव। ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, सीता गीता फराह खान मैरी। हेलो। हाय। हेलो। हाय। हेलो। सब एक साथ आई है, मैं किसके किसके लिए जाल बिछाऊं गुरुजी? जीसस मैरी को। ओके, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। लड़का सुपर्ब। प्रीति का सिलेक्शन मान लो सिलेक्शन। जल्दी जल्दी करके यहाँ ले आई, तभी मैं समझ गई थी कि हमें लवर से मिलाने जा रही है। नो। लड़का बहुत अच्छा है रे, एकदम हीरो जैसे लड़के को तुमने पटाया है। यही है राइट चॉइस बेबी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शट अप। हेलो, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे बारे में इनको सब कुछ पता है। बताओ मेरा कोई लवर है क्या? हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ क्या? नहीं बाबा, इसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है। ये मेरा पहला प्यार है, मेरा यकीन करो। नहीं नहीं, इसका यकीन करो। इसको लवर्स से एलर्जी है, लड़कों के नाम से तो इसको उल्टी आ जाती है। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो फिर ठीक है। ऑफ कोर्स तुम्हें कोई देख ले तो कोई भी लड़की तुम्हें देख के आसानी से फिदा हो जाएगी तुम पर। तुम्हारे फ्रेंड गैप में ही सेटअप कर लेते हैं। शट अप। हे, मैं तुम लोगों को बुलाकर लाई हूँ रिश्ता तोड़ने के लिए, और तुम लोग हो कि रिश्ता को जोड़ने पे तुली हुई हो। हाँ मिस्टर, अब तुम समझ गए ना, ये प्रीति किसी से प्यार नहीं करती। ओके, यू गॉट दैट? चलो रे इडियट्स, मूव। ए मिस्टर, आज के बाद मुझे फोन किया तो डेड, यू गॉट इट? कुकीज। गुरुजी, रजनीकांत की स्टाइल में लड़की करके चली गई, अब क्या करोगे? तुम्हारा हाईवे का रास्ता है और उसका मठ वाला रास्ता है, इन दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? अब क्या हो गया? क्या हो गया, फोन मत करना बोल के गई है। ओ सॉरी सॉरी, फोन नहीं करने का मतलब फोन करो यही है ना, तुम्ही ने तो बताया था गुरुजी। तू वही डायलॉग क्यों रिपीट कर रहा है? हाँ। फोन करने के लिए मना किया है ना, प्यार करने के लिए तो नहीं ना। हाँ। गुरुजी का रूट अलग है। ये तुम कह रहे हो? मैसूर के पुराने खंडहर वाले गोडाउन में असला एक्सचेंज होने वाला है, समझ गए? तुम हो कौन? वो तुम्हें क्या करना है, मेरा नंबर ट्रेस करने की कोशिश मत करना, अपना टाइम बेकार वेस्ट करोगे।
देखो मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग अलर्ट रहो। ओके सर। और जैसे ही मेरा ऑर्डर मिले घेराव कर देना। ओके ओके सर। ओके टेक केयर। अच्छा देखो जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कोई कुछ भी नहीं करेगा। ओके ओके कम फास्ट। ओके जल्दी। ओके कम ऑन। ए कम ऑन सर। मैं सर। जल्दी करो फॉलो मी। ओके सर। ओके जल्दी करो जल्दी। ए तुम किधर? तुम किधर? हमें तो एसीपी ने ऑर्डर दिया है। मुझे भी एसीपी ने ऑर्डर दिया है। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। तुम अपने गैंग के साथ पूरा सामान लेकर वहाँ से निकल जाओ। पुलिस रेड मारने वाली है। एसीपी अपने पूरे स्क्वाड के साथ वहाँ पहुँचने वाला है। जल्दी करो। सर गोली चलाने से वो भाग गया ना सर। मैं उसको पकड़ के अच्छी तरह तोड़ता, वो डर गया इसलिए आप बच गए। ए, ए, तुम यहाँ कैसे? आप ही ने तो मुझे आने के लिए कहा था सर। मैं? हाँ मैंने विश किया तो आपने मुझे कम कम करके सिग्नल दिया था सर। इसका आना फायदेमंद साबित हुआ वरना आपकी जान नहीं बचती सर। हाँ सर मेरे काम का क्या हुआ? अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, जेब में भी ज्यादा नहीं इतना ही है। बी हैप्पी सर, नो बीपी, बिंदास रहने का। चलता हूँ सर। वक्त रहते ही इन्फॉर्मर ने हमें खबर दे दी, इसलिए हम बच गए एसीपी के हाथों से। उसको खत्म करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो बच गया। ऐसा है, हमारा माल का एक्सचेंज होने वाला, ये एसीपी को इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? ये काम किशोर का है। अबे इस बार तू बचने में कामयाब हो गया। ए टुक्कर की औलाद, तू कितने बार भी पुलिस को इन्फॉर्म कर लेकिन सुन वो ही हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। ए, सलीम तेरा सपोर्ट कर रहा है इसलिए उछल मत। ये सोच लेना तेरी मौत मेरे हाथ में है। डैडी थोड़ा और स्माइल दो ना। कौन सी स्टाइल में मैं मुस्कुराऊं? मम्मी को लाइन मारते वक्त जिस तरह से स्माइल दिया था ना वही स्टाइल से। तेरी मम्मी की याद आते ही मैं मुस्कुराना भूल जाता हूँ। एसीपी हो के इतना घबराते हैं डैडी? मैं गुंडों के साथ लड़ सकता हूँ तेरी मम्मी से नहीं। अच्छा छोड़िए डैडी, नकली स्माइल दे दीजिए आप। दैट इज राइट। तो जिस दिन पैदा हुई थी इनके चेहरे पे हंसी देखी थी, उस दिन के बाद आज तक मैंने इनके दांत ही नहीं देखे। आप दोनों की शादी होने से पहले सुना है डैडी दिन भर हंसा करते थे, शादी के बाद डैडी हंसना ही भूल गया। बस बेटा बस। कितना होगा? 90 kgs। क्या? तेरा वजन। ओके ओके प्रीति, जहाँ तक हुआ है वहीं रोक दो, मुझे अभी मीटिंग में जाना है, शाम को जल्दी लौट आऊंगा तब पूरा करना। ओके प्रीति पेंटिंग में ही सही, कम से कम इसमें बाल काले कर देना, उसके बाद मैं 18 साल का लगूंगा। और खास करके ये जो नाक है ना, हाँ। इसको थोड़ा ग्लैमरस कर देना। ओके ओके आप ऐसे भी अच्छे लगते हो जारी। ओके थैंक यू, सी यू, सी यू एट नाइट। हाँ।
काम है। क्यों, मेरा चेहरा कुछ खराब है क्या? क्या है ये? एक खूबसूरत लड़की को मेरे जैसा लड़का और क्या देगा? लव लेटर। वाह, क्या ब्रिलियंट दिमाग है तुम्हारा। 100% करेक्ट, ये लव लेटर है। पहले पढ़ तो लो, उसके बाद फाड़ के फेंकना। मैं नहीं पढ़ती ये सब। ओहो, पढ़ लोगी तो मेरे प्यार के जाल में फंस जाओगी, यही डर है क्या? ए, ये मजाक का टाइम नहीं है। हाँ, रोमांटिक टाइम। चैलेंज कर रहे हो? हाँ चैलेंज करूंगा, ये नहीं सोचा था, तुम ही ने कहा। ओके ये सही है। ये लेटर खोले बगैर अगर पूरे दिन तुम अपने पास रख कर कल इसी जगह पर मुझे लौटा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो प्रीति, प्रीति इज ग्रेट, ये लास्ट टेस्ट है। टेस्ट है? एग्जाम्स में रैंक लेके पास हो चुकी हूँ मैं, ये कौन सा बड़ा टेस्ट है? हा? ये लव टेस्ट है। ओके, नाउ द टाइम इज 10:30। कल इसी टाइम पे ये लव लेटर को बिना खोले बिना पढ़े लेके तुम्हारे मुंह पे मारूं। हाँ, मारने की जरूरत नहीं है, लाके दोगी तो भी चलेगा। कहाँ लाके देना पड़ेगा? वहीं पर, कॉफी डे। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली तो तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगी, क्योंकि उस लेटर में मैंने जो मैटर लिखा है ना, वो आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी नॉवल में कहीं नहीं छपा। जो भी पढ़ेगा वो फ्लैट हो जाएगा, वैसे तुम भी फ्लैट हो जाओगी, समझी? चाचा फ्लैट। गुरुजी, लव लेटर तो दे दिया, वो लेके भी चली गई। अब नेक्स्ट एपिसोड क्या है गुरुजी? एपिसोड कल 10:30 कॉफी डे में। क्या तब तक सिर्फ एड चलेगा? ऐसा क्या लिख दिया इस लव लेटर में? देखती हूँ। पेपर दे दिया है, यू चीट। रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। 27, 28, 29, 30, 10:30। हाँ, क्या टाइम की पक्की है, एपिसोड स्टार्ट। ये लो, तुम्हारा दिया हुआ 24 घंटा भी खत्म हो गया, आज के बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। रुक जाओ, इस लव लेटर को तुमने देखा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बैड लक है, छोड़ो। मतलब
ये लव लेटर तू एक बार पढ़ लेती तो अभी तक मुझे 10 बार आई लव यू कह देती। ओह, इतना अच्छा क्या लिख दिया है तुमने? इतना अच्छा लिखा है इसको मुंह बिगाड़ के क्यों बोल रही हो? ये लव लेटर मैंने स्याही से नहीं लिखा है। तो फिर खून खून एक बोतल नहीं, दो बोतल नहीं, 5 बोतल से लिखा है। तुम्हारे लिए शबनम का बाथरूम में शावर बनाऊंगा ऐसे लिखा हूँ। चंदा मामा को तुम्हारे बेडरूम का बेड लैम्प बनाऊंगा ये लिखा है। आसमान के सारे सितारों को मिला के तुम्हारी साड़ी की बॉर्डर बनाऊंगा ये लिखा है। ये सब अपना खून बहा के लिखा हूँ। नहीं। हाँ नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं लिखा था, खाली पेपर है ये। लव लेटर छोड़ के खाली पेपर दिया था? तुम्हारा रास्ता ही अलग है। पकड़ी गई ना प्रीति, प्रीति। इससे ये साबित होता है कि तुमने ये लेटर खोल के देखा है। ये तुम्हारी आंखें बता रही है। इसके बाद तेरे मेरे प्यार का सिलसिला शुरू होके केजी में एडमिशन ले चुका है। कॉलेज में कब भर्ती होना है बताओ? सच बताओ, हमें प्यार हो गया ना? नो नो नो। गुरुजी, लड़कियों को अगर खून से भी लव लेटर लिख के दो तब भी नहीं फंसती हैं। तुमने तो खाली पेपर देकर ही पटा लिया है। दिस इज ए 3rd एपिसोड। लाइफ में पहली बार मैं बेवकूफ बनी हूँ। इसे ले लो और मुझे माफ कर दो, मुझसे प्यार करो। ओए मेंटल, अपनी सूरत देखी है आईने में क्या? मेरे चेहरे को क्या हुआ है? बिल्कुल हीरो दिखता हूँ, मुझमें क्या कमी है? तेरे में कमी ही कमी है। हाँ, कौवे और हंस की जोड़ी कभी बनती है फूल? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह रहेगा। तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए? हाँ, बदबू आती है, उल्टी आ रही है। शु, शु। भैया, दीदी को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई? भाई की शक्ल इतनी भी तो खराब नहीं है। ला दो, खींच के मारूंगा तुमको। ब्लडी इडियट फूल, प्यार करने चला है प्यार। प्रीति, प्रीति, प्रीति। क्यों बे छोटे, बहुत टेंशन में नजर आ रहा है। लो हो गया है। ए तू प्यार, रोज ताजा खाने वाला बासी रोटी मांग रहा है, मटन खाना सीख ले। ए एड़ा हो गया है क्या? ए समझाना यार इसको। ए वो लड़की तेरे मुंह में थू थू करके 2 बार थूक के गई है। हाँ, इतनी खूबसूरत है क्या वो? बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं पागलों की तरह उसके पीछे भटक रहा हूँ। तू उसके पीछे क्यों भाग रहा है? उसे तेरे पीछे भागते हुए आना चाहिए। ए, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसकी तू इज्जत लूट लेगा तो रोड के कुत्ते की तरह तेरे पीछे पूंछ हिलाती हुई आएगी। मेरी बात तेरे भेजे में आई ना? भाई ये काम कल ही कर देता हूँ। Vamos, vamos. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza con la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza con la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, arriba con los brazos, vamos, vamos. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza con la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, la magia empieza con la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, todo el mundo en este segundo, todo el mundo en este segundo, arriba con los brazos, vamos, vamos. ¡Atención! मैं तेरे पीछे घूम घूम के थक चुका हूँ। अब मैं तेरे साथ ऐसा काम करूँगा कि तू मेरे पीछे पीछे घूमेगी। ए कौन है रे तू? क्या घूर रहा तू ऐसे? फुट ले, चल फुट। ए तेरी तो you
सुपर हीरो, आप उनका फाइटर हीरो। टेंशन नहीं लेने का, ये इसके लिए डेली का काम है। हाँ की है प्यार के भरोसे और मैं टिका हूँ आपके प्यार पर। यू? 5 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे बैठूंगी, फिर मैं भी देखती हूँ तुम मेरा क्या करते हो। चलो। लड़का बहुत अच्छा है रे, एकदम हीरो जैसे लड़के को तुमने पटाया है। यही है राइट चॉइस बेबी। रुक जाओ। थैंक यू। क्या है ये? एक खूबसूरत लड़की को मेरे जैसा लड़का क्या दे सकता है? लव लेटर। वाह, तेरे मेरे प्यार का सिलसिला शुरू होके केजी में एडमिशन ले चुका है। कॉलेज में भर्ती कब होगी? बताओ, सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है ना? हाँ, शायद इसी को प्यार कहते हैं। आई लव यू, आई लव यू शिव, आई लव यू। Come on, शिव, फोन तो उठाओ। हाय, मैं शंकर, तुम कैसी हो? रॉन्ग नंबर, फोन रख दो। हाँ, मैंने तो सोचा था शिव का फोन है, रॉन्ग नंबर था। शिव फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? कम ऑन शिव, फोन तो उठाओ। क्या हो गया? क्यों इस तरह का नाटक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ? हाय शिव। हाय, मैं शिव नहीं, शंकर बोल रहा हूँ। ए साक्षी, अरे फोन मत रखना। रॉन्ग नंबर, क्यों बेकार में दिमाग खा रहे हो मेरा? फोन रखो। शिव, तुम मुझे क्यों नहीं फोन कर सकते? गुरुजी, फोन बात करना चाहता है। तुझे भी सुनाई दे रही है, मुझे भी सुनाई दे रही है,
और यहाँ जितने लोग हैं सबको सुनाई दे रही है। प्रीति का है पता है? पता है तो फिर फोन ना उठा के उसको क्यों परेशान कर रहे हो? ये कौन सी टेक्निक है गुरुजी? इंतजार करके देखो। तो क्या आप फोन पर उससे बात नहीं करोगे? लेकिन क्यों? देखो रिसीव करेंगे तो फोन पर ही बात करनी पड़ेगी, नहीं उठाएंगे तो वो खुद यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट एपिसोड ऐसे स्टार्ट होगा क्या? नोट कर ले। ओके, फोर्थ एपिसोड नो कॉल रिसीव। आपने फोन उठा लिया? हाय शिव। दूसरे का फोन था। फोन तो मेरा था, कॉल उसका था। टेंशन में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। दूसरे नंबर से उसने फोन किया था। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट है? वेट एंड सी। वेट एंड सी। हमारा गुरुजी बहुत समझदार लड़का है। हीरोइन आ गई, हीरोइन आ गई। यस गुरुजी गायब। ये क्या है? उधर उसकी एंट्री हो रही है और गुरुजी गायब हो गए। अरे अरे अब मैं क्या करूं क्या करूं? अरे 1 2 3 वो कहाँ है? कौन? बिंदास। क्यों चाहिए? सिर्फ वही किस लिए? उसे देखे 3 दिन हो गए ना, इसलिए। 3 दिन हो गए तो क्या हुआ? तुम नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ पाऊंगा मतलब? वो सिर्फ वो समझ सकता है। जी हाँ जी हाँ, गुरुजी ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। फोन करते तो उठाता नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तुम ही नहीं, कोई भी नहीं समझ सकता। ऐसा क्यों? हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं। तुम फोन करके उसे कह दो ना। जब इस प्रीति का फोन नहीं उठा रहा है तो मेरा क्या उठाएगा? वो कहाँ है तुम जानते हो क्या? 3 दिन से ना तो फोन किया है और ना 3 दिन से उनके दर्शन हुए हैं। क्यों? पता नहीं। आएगा क्या? वो आकर भी आ सकता है और आकर भी नहीं आ सकता, मिलके भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मुझे 3 दिन से नहीं मिला है, तुमसे मिला क्या? तुमने उसे देखा है क्या? कौन? मेरी। मैं यही इंतजार करूंगी, उससे मिलकर ही जाऊंगी। आहा, लड़कियों को भी इंतजार करवाने का एक नया एपिसोड। गुरुजी नहीं आएंगे या आकर कहीं छुप के देखेंगे, कुछ भी बोलना गुनाह है। यू ऑन 666 मोचा? या ओके 1666 मोचा प्लीज। तड़प हो रही है। गुरुजी आ गए। शिव शिव रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ शिव प्लीज। शिव सुनो तो, ये क्या हो रहा है? वो लड़की रुकने के लिए कह रही है और गुरुजी भागे जा रहे हैं। फॉलो नहीं किया तो एपिसोड मिस हो सकता है। गुरुजी मैं भी आया। शिव शिव रुक जाओ। शिव प्लीज वेट। गुरुजी रुक जाओ। शिव क्या हो गया तुम्हें? रुक तो जाओ। गुरुजी रुक जाओ, रुक जाओ गुरुजी, रुक जाओ। गुरुजी गुरुजी मेरी सांसें फूल रही हैं। कॉफी डे में तुमने एंट्री ली और लड़की को देखकर एग्जिट हो गए, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो गुरुजी? ऐसा मजाक। गुरुजी वो तुम्हें बुला रही है। सिर्फ तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? मुझे भी सुनाई दे रहा है। नहीं गुरुजी, लड़की जब नजदीक आ रही है तो आप इतने दूर क्यों भागे जा रहे हैं? गुरुजी मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ, वो खुद ही नजदीक आ रही है। देख करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। एपिसोड में नया ट्विस्ट। जाओ जाओ जाओ। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम मुझे सुनते नहीं हो। रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ अर्जेंट काम है। तुझे मेरे से क्या काम है? काम है ना। क्या काम है? प्यार करने का। नहीं किया तो? ओहो मैं छोड़ूंगी। हाँ क्यों, दादागिरी है क्या? ए दिमाग खराब करके प्यार में फंसा के अब अनजान बन के भागे जा रहे हो? हाँ ओए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी कस के जकड़ लो, अगर छूट गई तो एपिसोड में टेंशन हो जाएगा। Ha 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 ha
बैठी थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया तुम हो गए, मेरे सब कुछ तुम बन चुके। थैंक यू। और मेरी जैसी लड़की तुमसे ये पूछना भूल गई कि तुम क्या करते हो। बताओ तुम क्या काम करते हो। शिव, इस प्रीति से प्यार करता हूँ। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, तुम काम क्या करते हो। मैं क्या काम इसको बताऊँ, मैं एक चोर हूँ। पिक्चर का टाइटल नहीं पूछ रही हूँ, काम काम क्या जॉब करते हो। जॉब? ए मान क्यों नहीं रही है। ए
इधर आ बे, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ चोर हूँ। मैं ऐसे डायलॉग सुन सुन के थक चुकी हूँ। सपनों की दुनिया से निकलो और हकीकत की दुनिया में आओ। शिव प्लीज मेरी बात मानो। किस लिए? तुम इस उंगली को छुओगे तो आईपीएस, इसको छुओगे तो आईएस, इस उंगली को छुओगे तो डॉक्टर और इस उंगली को छुओगे तो कंप्यूटर इंजीनियर। कौन? तुम्हें बाबा, कोई भी उंगली छुओ, छुओ, कम ऑन फास्ट चलो। प्यार करने के लिए इतने क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? उंगली छूने के लिए कहा तो पूरा हाथ ही तुमने पकड़ लिया। मैं प्यार कर रहा हूँ हाथ पकड़ने के लिए, उंगली पकड़ने के लिए नहीं। तुम थोड़ा सीरियस क्यों नहीं होते प्लीज? तुम उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूँ। मैंने गलत सवाल किया था। हाँ, प्रीति। चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम्हें देखती हूँ तो देखती रहने का दिल करता है, कोई भी काम करने का मूड ही नहीं करता। इसका मतलब तुम मुझसे इंस्पायर नहीं हो? अरे अरे, ऐसा नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। एक किस दूं क्या? सारी शर्म बेंगलोर शहर से बाहर चली जाएगी। बैठो बैठो प्लीज, मेरे पास बताना, उधर ही बैठे रहना। हाँ ओके, चॉइस इज योर्स। हिलना मत, उधर ही बैठे रहना। हिलना मत कह रही हूँ, मुझे पेंटिंग में प्रॉब्लम होगी। गुड बॉय। सुनिए यहाँ ये, उधर देखिए, देखो वो किसी की तस्वीर बना रही है। गुड बॉय। सेम तुम्हारी तरह। व्हाट यू सी, इजंट इट ब्यूटीफुल? जाना मत, कुछ देर में पूरी हो जाएगी, प्लीज वेट ना। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट। हेलो, ओके सर, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं सर। यस सर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मिस्टर राठौर, आपके एरिया में 3 जगह बम फटे हैं और 2 किडनैपिंग हुई। माफिया के लोग पुलिस वालों को बेवकूफ बना के दिवाली बना रहे हैं। पेपर देखा? हमारे खिलाफ जो दिल में आए वही छाप रहे हैं। बताइए, मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी ना, अभी तक क्या किया आपने? मैं आपके जज्बात समझता हूँ सर, मुझे पक्का यकीन है हमारे डिपार्टमेंट का ही कोई शख्स माफिया गैंग तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। सुनो, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? परसों हथियार एक्सचेंज हो रहे थे, यह खबर जब हमें मिली, हम वहां पहुंचे, वहां हम पर हमला हुआ, मैंने भी कार्रवाई की, फिर भी वो हमसे बच गए। हमेशा ऐसा हो जाता है सर, इससे पता चलता है सर कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी उन्हें खबर देता है। आई सी, आपको किस पे शक है? नहीं सर, वही पता नहीं चल रहा है। फिर से वही जवाब। आई एम सिक ऑफ दिस मिस्टर राठौर, आप क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। जितनी जल्दी हो सके आपको इस काम को अंजाम देना होगा, नहीं तो यह जिम्मेदारी मैं सीबीआई को दे दूंगा। यस सर।
सर, मेरे काम के बारे में, अब दो ही दिन बचे हैं, मेरी जेब में बस इतना ही। बी हैप्पी सर, नो बीपी, बिंदास रहने का। सर, मैंने आपको 10 दिन दिए थे, उसमें से एक ही दिन बचा है, कुछ तो कीजिए सर मेरे लिए। सर थैंक यू, सर थैंक यू। काम करोगे? कैसी बात कर रहे हैं सर आप, मेरा प्यार का भी चक्कर चल रहा है सर। वो कैसी है जानते हैं सर? आंख धो के उसको देखना चाहिए सर। जिस किसी ने भी उसे पैदा किया उसको करोड़ों सलाम। शट अप, मुझे ये प्यार व्यार जैसी फालतू बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर आप मेरे गॉडफादर हो, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कल मेरे लवर का बाप यानी मेरा ससुर मुझसे पूछेगा कि तू क्या करता है, तो मैं उन्हें गर्व से बता सकूं सर। ऐसा कोई रेंज वाला काम दो सर, मैं तैयार हूँ। देखता हूँ तुम्हें ऐसा ही कोई काम दूंगा मैं। क्या काम है सर? एक बार कांस्टेबल को 100 रुपए देकर तूने मेरे बारे में उससे जानकारी ले ली थी, है ना? 100 रुपए दिया तो आपके बारे में बता दिया, 1,00,000 रुपए दे दूंगा तो पूरे डिपार्टमेंट की कुंडली बता देगा। तुम्हें पता है शिव, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग पैसे के लालच में हमारे अंदर की कुछ सीक्रेट बातें माफिया लोगों तक पहुंचाते हैं। तुम सलीम डी किशोर को जानते हो? हमारे देश में अच्छे लोगों से ज्यादा इन टेररिस्ट लोगों के बारे में लोग जानते हैं, नाम सुना है और पेपर में भी देखा है। सर आप इनके चक्कर में मत फंस जाना। तुम्हें उनके साथ शामिल होना है। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें पुलिस इन्फॉर्मर बनके वहां जाना होगा, उनकी सारी खबर प्रिंट टू प्रिंट तुम हमें बताओगे। कर सकोगे? मैं ये काम करूंगा तो इस काम से मेरे लवर को और उसके बाप को खुशी मिलेगी ना? 100% खुशी मिलेगी। तो फिर करूंगा सर। गुड शिव, ये जिंदगी का सवाल है, अगर थोड़ा भी शक हो गया तो तुम बच नहीं पाओगे, इट्स वेरी रिस्की। मैं जिंदगी को ही रिस्क समझता हूँ, ये तो बड़ी रिस्क नहीं है, थ्रिल। हाँ गुड, अभी से तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है, लेकिन एक बात, हम दोनों के सिवा तीसरे को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारी लवर को भी नहीं। प्रोफेशनल सीक्रेट, एक जेंटलमैन की तरह शुरू हो जाओ, ओके? जबान दे दी खत्म, राइट हैंड से काम करूंगा, लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है सर। बी हैप्पी सर, नो बीपी, बिंदास रहने का। गुड, वेरी गुड। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि कल तक पुलिस वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे, ये चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते मैं भी पक चुका हूँ। अब से मैं पुलिस वालों के साथ मिलके चोरों की बैंड बजाऊंगा। सुपर सर, सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वहाँ क्या कर रहे हो, नीचे आओ, लिफ्ट नीचे करो, नीचे। देखो ये सारा सीमेंट यहाँ से लेकर के जाओ। तुम लोग इधर ही रहो। कैसे हो रेड्डी साहब? ओ किट्टी साहब नमस्ते। कर्नाटक में अंधाधुन कमा रहे हो, तगड़ा बिजनेस कर रहे हो। क्या बिजनेस चल रहा है किट्टी साहब, सारा रजिस्ट्रेशन रुक गया है, रियल एस्टेट का बिजनेस तो एकदम स्टॉप हो गया है। ए! चचुंदर के औलाद? नहीं किट्टी भाई, तेरा दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है, मेरी बात सुनो, नहीं मिला तो तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर रेडी का। ऐसी बात नहीं है भाई, पहला ही एक स्टेट तुम्हें दे चुका हूँ, शहर वाला साइड भी तुम्हें सौंप चुका हूँ, ये अपार्टमेंट में भी 4 फ्लोर तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, पूरी बिल्डिंग मांगोगे तो कैसे दे सकता हूँ? तुम दो मत, हम मांगेंगे भी नहीं, तुम्हें दुनिया से उठा के हम खुद ले लेंगे। क्या? ए! कौन है तुम? ए! मार दिया, छे! बहुत गलत किया, तेरे मारने से पहले मैं मारूंगा तो गुंडागर्दी होगी, तेरे मारने के बाद अगर मारा तो हीरोगिरी होगी। ए! तू मुझसे पंगा लेगा? ए! अपनी माँ का दूध नहीं पिया क्या? हाँ
भाग दो। तू पागल की औलाद। क्यों बे, तू अपने आपको दारा सिंह की औलाद समझता है? तुझे जितना मारना है मार, मैं मार खा लूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही मार दिया ना। तू क्या खाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पहले गांधीगिरी की नहीं चली, अब दादागिरी। भाई कुमारा, कौन है तू? डायरेक्ट मैटर पर ही आया हूँ। गुड बॉय, डी के पास ले चलो, बताऊंगा। मुझे डी के पास लेके चलो कहा ना? इसे क्या हुआ? मैंने सर बस खींच के एक दिया, वही फ्लैट हो गया। इसका माइंड ब्लॉक हो गया है, होश में आने में 3-4 दिन लगेंगे सर। तू कौन है? तुम्हारा फैन हूँ बॉस। सब लोग सीएम, पीएम, फिल्म स्टार, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह डॉन बनना है, इसलिए तो तुम्हारा फैन बन गया हूँ बॉस। ये साला नालायक की औलाद पिछले एक साल से तुमसे मिलाने का वादा कर रहा था और मुझे बेवकूफ बना के कौवा समझ रहा था। मैं भी खामोश था, मैं इससे रोज मिलता था बॉस, लेकिन जब आज मैंने तुमसे मिलवाने के लिए बोला तो इसने मुझसे क्या कहा आप जानते हैं बॉस? इसने कहा क्या डी बड़ा तुर्रम खान है, मुझसे सुना नहीं गया, एक दिया एकदम फ्लैट हो गया। तुम मेरे फैन हो, ये मैं कैसे मान लूं? तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे नाम को मैं अपने हाथ में लिख चुका हूं डी करके। इसीलिए मैं आपका फैन हूं बॉस। इसे देखो, वो बाहर का था, ये अंदर का है, ये नहीं मिटने वाला। इसे सोडा, शराब, एसिड कुछ भी नहीं मिटा सकता। मैं मर भी गया तो भी ये मेरे साथ रहेगा। अब पता चला क्या बॉस, मैं तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूँ? गुड। अभी यकीन नहीं आया? एकलव्य की तरह मेरी पूजा करके मेरी इज्जत बढ़ा रहे हो। ये लो, उसने अपनी उंगली दी, तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दो। शूट करो, शूट। डर गए क्या? अबे उल्टे पुल्टों की औलादों, कोई भी तैयार नहीं है क्या? कोई भी अनजान शख्स जब तुम्हारे एरिया में आ जाए तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हाय क्या बॉस, बार में रहने वाले छपरियों को बॉडीगार्ड बनाएंगे तो यही हाल होगा। क्यों बॉस, टेंशन में आ गए क्या? मैं तुम्हें शूट करूंगा क्या? नहीं कर सकता बॉस, मैं तुम्हारा फैन हूँ। शूट करो, बात को घुमाओ मत। Yeah.
निशाना नहीं चुका, मैंने जानबूझ के किया है। बिना हाथ के तुम्हारी सेवा करने के बजाय मुझे एक भिखारी की तरह रहना पड़ेगा। इसके बदले मैं अपनी बॉडी तुम्हें दे दूं, तुम्हारे लिए जान दे दूं तो समझ लूंगा जिंदगी सफल हो गई। इसलिए सिर्फ एक ही बुलेट बचाया हूं। ये लो बॉस, तुम ही अपने हाथ से मुझे शूट करो। ले लो, कम ऑन, शूट मी। तेरे जैसे हिम्मत वाले का मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं। तू मुझे पसंद आया, बहुत पसंद आया। आज के बाद तू ही मेरा राइट हैंड है। मान गया तुम्हें, मैं बहुत खुश हूं। सर, जैसे आप मान गए हो उसी तरह मेरी लवर और उसका बाप मान जाए बस। इनफ, देखो काम की बात करते समय बीच में लवर की बातें नहीं, मुझे पसंद नहीं है, समझे? सर, मैं ये काम कर रहा हूँ तो सिर्फ अपनी लवर के लिए, ये आप भी जानते हैं। वो कई दिनों से तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो पूछती रहती है। आज तक तो मैं कैसे भी करके संभालता आया हूँ, अब मिलूंगा तो जाने बगैर नहीं छोड़ेगी। सर, तुम्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सीक्रेट उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप कितनी आसानी से ये सब कह रहे हैं सर। शिव, इस काम को कामयाब तुम करो, तुम्हारे प्यार को कामयाब करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात तो सही है। ये 25,000 तुम्हारी सैलरी हर महीना मिलता रहेगा, ये लो। आर यू हैप्पी? वेरी वेरी हैप्पी सर। संभल के रहना, थोड़ा भी शक हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। नो टेंशन सर, बी हैप्पी, नो बीपी। गुड, वेरी गुड। ये गिफ्ट क्यों? अपनी लवर को गिफ्ट देने का दिल किया इसलिए। आज मैं कितना खुश हूँ जानती हो? आखिर खुशी की बात क्या है? वो सीक्रेट है। थैंक्स। वो क्यों, नेकलेस दिया इसलिए? तो फिर इस प्रीति को प्यार का एहसास दिलाने के लिए। आई लव यू। तेरी जवानी है खट्टी मीठी, लगती मुझे तू है अच्छी अच्छी। बाहों में आ जा, दिल में समा जा, आओ करें मिलके प्यार। ये बातें लगी तेरी अच्छी अच्छी, चाहत तेरी है सच्ची सच्ची। मैं भी जवान हूँ तू भी जवान है, आओ करें मिलके। तेरी जवानी है खट्टी मीठी, खट्टी मीठी। बाहों
काबू में आ जा, दिल में जमा जा, आओ करें मिलके प्यार ये। बातें लगी तेरी अच्छी अच्छी, चाहत तेरी है सच्ची सच्ची। मैं भी जवा हूँ तू भी जवा है, आओ करें मिलके प्यार ये। तेरी जवानी है खट्टी मीठी, छोटा सा घर हो अपना, उसमें हम तुम रहें, जी भर के प्यार करें। मेरा भी है एक सपना, बच्चे हमारे हो तो, सूरत हो मेरी जैसी, प्यारे हो तेरे जैसे। तेरी जवानी है खट्टी मीठी, लगती मुझे तू है अच्छी अच्छी। बाहों में आ जा, दिल में समा जा, आओ करें मिलके प्यार ये। बातें लगी तेरी अच्छी 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 अच्छी, चाहत तेरी है सच्ची 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 सच्ची। मैं भी जवान हूँ तू भी जवान है, आओ करें। तेरी जवानी है खट्टी मीठी। बॉस, मैंने तो सोचा था कि तू कल तक होश में आने वाला नहीं है। तुम कौन हो? मैं बॉस को बता दूंगा। तू जागेगा तब बोलेगा ना। क्यों मारा उसको? नालायक की औलाद है इसलिए मारा उसे। इसको जिंदा ही जला देना चाहिए था, हमारे गैंग में नालायकों की जरूरत नहीं। वो कमीना है, उसे छोड़ो बॉस। बाजार में तुम्हारी तरह सीना तान के खड़े रहने के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। डी को डील में बदलने के लिए तुम्हारा स्केच तैयार कर रहे हैं, समझने है बॉस। डी के आगे पीछे ए बी सी डी एक्स वाई जेड जैसा कोई भी नहीं रहना चाहिए। ओनली डी, ओनली डी अंडरवर्ल्ड का डॉन होना चाहिए। मतलब मेन मेन एरिया से छोटे मोटे गुंडों को अगर उठा लिया जाए तो बचे कुछ छोटे मोटे अपने आप खत्म हो जाएंगे। मेरी भलाई करने के लिए निकले हो क्या? तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। Stop!
शिव, तुम्हारे जैसा एक भी आदमी हमारे डिपार्टमेंट में हुआ तो पूरी सिटी खुशी से झूम उठेगी। सर, पहले मुझे खुश रहना पड़ेगा। मेरी लवर फोन पे फोन करके ये कह रही कि जाके उसके बाप से मिलूं, वो फोर्स कर रही है। शिव, तुम अपने काम को सही अंजाम दे रहे हो, मैं अपने काम को सही अंजाम देकर रहूंगा। कुछ दिन और रुको, मैं तुम्हें और तुम्हारी लवर को एक करके रहूंगा। ओके सर, मुझे लड़की से कोई टेंशन नहीं है सर, लेकिन उसके डैडी, उसका बाप कलेक्टर हो, सीएम हो या पीएम हो, मैं मना लूंगा। नहीं माना तो उसके बाप का एनकाउंटर करके उस लड़की को उठा के लाऊंगा और तुम्हारी शादी करवाऊंगा। तुम डी तक तो पहुंच चुके हो, बस सलीम तक पहुंचना बाकी है। जितनी जल्दी हो सके मैं पहुंच जाऊंगा सर, जल्दबाजी से शक हो सकता है इसलिए मैं खामोश हूँ। कुछ ही दिनों में सलीम बेंगलोर आने वाला है ये पता चला है। उसके प्रोग्राम में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर सलीम को पकड़ना नामुमकिन है। मैं पकड़ूंगा सर। ऑल द बेस्ट। हेलो, हेलो डी, केयरफुल, तुम्हारी गैंग में पुलिस का खबरी है। क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ डी, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए खबरी का काम करता हूँ उसी तरह पुलिस का आदमी तुम्हारी गैंग में उनका खबरी है। कौन है वो? हेलो हेलो, बात क्यों नहीं करते? मैं उधर ही आकर सब कुछ बताता हूँ। जल्दी आओ, यहीं शूट करके फेंक दूंगा। इतनी टेंशन में क्यों हो? हमारे ग्रुप में कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है और वो कौन है 5 मिनट में पता चल जाएगा। हाय डी। बताओ कौन है वो? बताओ, ये है, वो है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये है शूट? कहीं वो तुम ही तो नहीं हो? मजाक मत करो डी। वो है, वो है, वो है, वो है। कौन है फिर? था पुलिस का इन्फॉर्मर? जी हाँ डी, यही था। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम दोनों का गेम बच जाता, इसलिए मैंने इसका काम तमाम कर दिया।
इसने उस दिन ही बता दिया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। बाय द वे, ये मेरा राइट हैंड है शिव। हेलो। हेलो डी, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए इसको तुम मेरे साथ भेज दो। टेक हिम। रोको, गाड़ी रोको प्लीज। शिव, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भीख में दे दो। मैं हूँ पुलिस का इन्फॉर्मर। कभी देखा नहीं? मैंने भी तुम्हें अभी देखा। डी के इन्फॉर्मर। तू डी से बच के कभी नहीं निकल सकता। कैप्सूल बम तेरे पेट में जा चुका है, एक बटन दबा दूंगा तो तू भी उस गुड़िया की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं नहीं शिव प्लीज, तू ही पुलिस इन्फॉर्मर है, ये डी को मैं नहीं बताऊंगा। बताना पड़ेगा, वो भी किट्टी को बताना। ओके प्लीज वो रिमोट दे दो। रिमोट दे दो, वो किट्टी को पुलिस इन्फॉर्मर बता के मैंने मार डाला, अब क्या है? ए, किस बेवकूफ ने तुझे पुलिस की नौकरी दी है? इस नौकरी के लायक नहीं है, रेस कोर्स में घोड़े के पास और पानी पिला के उसकी लीड उठाने के लायक है। नो! ओ, क्या वाह, गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भी कैप्सूल में बम लगा सकता है क्या? तेरे मुंह में जो डाला वो विटामिन का कैप्सूल था, थोड़ी ताकत आ जाए इसलिए। ओ, गुड़िया कैसे ब्लास्ट हुई ये सोच रहे हो ना? उसमें पहले से ही बम था। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खाकी पहन के कर्नाटक को बिगाड़ने पे तुला है ना? हम जैसे हैं ठीक है, सिविल ड्रेस पहन के कर्नाटक को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ए, तेरे जैसे को मैंने बहुत देखा है, चल मुझे ड्रॉप कर। तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे ससुर एसीपी आए हैं, वो देखो। सर, आपने तो इसे मारी। कानूनी तरीके से इसे अरेस्ट करता तो ये बेशरम जमानत लेके कानून से रिहा हो जाता। ऐसे देशद्रोहियों का एनकाउंटर करना ही बेहतर है। गो, यू गो। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, फिर गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? आज मेरे गॉडफादर ने मेरी तारीफ की, इसलिए आई एम सो हैप्पी। तो तारीफ करने जैसा तुमने ऐसा क्या काम किया? वही एक बात तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो जेंटलमैन एग्रीमेंट है। ओके, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो होता है वो ओनली फॉर जेंटलमैन। मैं तो जेंटलवुमन, मुझसे कह सकते हो प्लीज? तुम औरत बनो, इसके लिए अभी बहुत वक्त है, तुम तो अभी छोटी लड़की हो, जस्ट ए यंग गर्ल। कितनी सफाई से बात को पलट देते हो, जब भी पूछती हूँ बाद में बताऊंगा, फोन करती हूँ बिजी हूँ जी। मैं खुद तुम्हें फोन करता हूँ, कह के फोन कट कर देते हो। हाँ, वैसे तुम क्या काम कर रहे हो? वो बताने का अभी समय नहीं आया है, जब बताऊंगा तो तुम्हें भी शौक लगेगा। शौक लगेगा मतलब कोई खतरनाक काम है क्या? हाँ? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? हे, भरोसा इसलिए तुमसे प्यार किया मैंने, टेंशन मत लो, बी हैप्पी, नो बीपी, बिंदास रहने का। मेरा डायलॉग मुझे रिवर्स। Thank you.
तुम अंदर जाओ। सुनो जी, क्या मिला? मैं छोड़ूंगी, मैं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। ये मुझे फोन कर रहा है, मेरा खून करना चाहता है। प्रीति, प्रीति, आज का पेपर देखा क्या तुमने? मैंने नहीं देखा डैडी। ये देख लोगी तो तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। सी माफिया में एंट्री कर चुका है ये डॉन, नाम है शिव, तकिया कलाम बिंदास। तुम इसी से प्यार करती हो ना? ये बात डैडी कैसे जानते हैं तुम यही सोच रही हो ना प्रीति? सिटी में कहां कहां पे क्राइम चल रहा है ये सब हमें पता चलता रहता है, और मेरे घर में एक लव स्टोरी चल रही है तो ये बात मुझे पता नहीं चलेगी? तुम जिससे प्यार करती थी वो एक जेब कतरा था, टिकट ब्लैक करने वाला, वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, ये बात मैं पहले जानता था। ये बात अगर तुम्हें पहले बताता तो प्यार में अंधी हो चुकी तुम मेरा यकीन नहीं करती। कहीं कोई पागलपन करके गलत कदम ना उठा लो, इसीलिए मैं आज तक चुप रहा। रो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। I'm so sorry, Daddy. मैंने गलत किया। अब तो समझ में आ गया ना? इतना ही काफी है, संभल जाओ। प्रीति, come on. It's okay. It's okay. So sorry, Daddy. तुम्हारी गलत बातों पे यकीन करके मैं धोखा खा गई। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि तुम चीटर हो। जब तुमने गलत तरीके से मेरा मोबाइल नंबर लिया, तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरी वजह से बदल गए, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम कितने पढ़े लिखे हो? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? ये सब जाने बगैर भी मैं तुमसे प्यार कर बैठी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। गलत, गलत। मैंने तुमसे प्यार करके गलत किया। प्रीति, रो मत प्लीज। प्रीति मेरी बात। हाथ मत लगाओ मुझे। Don't you dare to touch me। तुम छूते हो तो मेरे बदन में ऐसा लगता है कि कीड़े रेंग रहे, कांटे चुभने लगते। प्यार के नाम से नफरत करने वाली की दिल में प्यार जगा के उसी प्यार का खून किया तुम। मरे हुए प्यार को फिर से जिंदा करने की कोशिश मत करो, ये नामुमकिन है।
तुम्हें शूट आउट करते जब देखा तभी से मैं तुम्हें भूल चुकी थी। यू आर अ चीटर, पिकपॉकेटर, राउडी, खूनी हो, धोखेबाज। प्रीति, प्रीति मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सुनो प्लीज। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। मुझे तुम्हारे सूरत से भी नफरत हो गई है। दिस इज लास्ट। दोबारा तुम मेरी आंखों के सामने आए तो मैं अपने आप को आग लगा के जिंदा जला लूंगी। गेट लॉस्ट। इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है शिव, कुछ ही दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ शिव। कैसे रहूं सर, मैं ये काम कर रहा था प्रीति की खातिर। कल मैं जब शूट कर रहा था उसने मुझे देख लिया, अब मुझसे बात करना तो दूर, आई हेट यू कहकर चली गई। जब वो ही नहीं रही तो मैं ये काम क्यों करूं? मैं नहीं करूंगा। आधे रास्ते तक आकर तुम ना कहोगे तो कैसे चलेगा शिव? तुम जो काम कर रहे हो इससे सारी दुनिया तुम पे फक्र करेगी। मुझे देश की सेवा नहीं करनी सर, मुझे चाहिए सिर्फ प्रीति। आप जाकर कहे कि मैं डॉन नहीं हूं, पुलिस इन्फॉर्मर हूं। इस वक्त मैं नहीं बता सकता, हमारा काम खत्म होने के बाद मैं खुद उसे समझाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी प्रीति मिल जाए मैं कोशिश करूंगा। तब करने का काम अभी कर लो ना। मुझे प्रीति मिल गई तो ये देश तो क्या पूरी दुनिया को जीत लूंगा। इस वक्त वो किसी की भी बात नहीं मानेगी, ये समझ लो। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं सर। पेपर में बड़ा फोटो छाप के मुझे डॉन बना दिया। ये तो अच्छा ही हुआ, तभी अंडरवर्ल्ड के लोग तुम पे यकीन करेंगे। आसानी से तुम अपना काम कर सकते हो। नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रीति मेरी जान है, वही नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। पहले उसे मना कर लाओ। शिव, एक लड़की से बढ़के देश अहम है, मकसद अहम है। उसके बाद वो खुद तुमसे प्यार करेगी और फक्र महसूस करेगी। मेरी बात का यकीन करो। हेलो शिव, किधर हो? इधर पास में ही हूँ। क्या हुआ बॉस? तुरंत अर्जेंट एयरपोर्ट पे पहुंचो। किस लिए बॉस? कौन आ रहा है? वो सब फोन पे नहीं बता सकता, तुरंत आओ। ओके बॉस, 5 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। मुझे लगता है सलीम आ रहा है। राइट टाइम, गो अहेड। यही है शिव। नमस्ते भाई। तेरे बारे में डी ने सब कुछ बताया है। गॉड थैंक यू भाई। शाम को पार्टी में तू भी आ जा। ठीक है। शबाब देख ले, होंठ से तू मेरे शराब चख ले, ले ले वादा तू उस पल का, कल क्या होगा किसको पता, कर लो ऐश। रखना तू मुझसे दूर, मेरी मंजिल को मेरे मकसद को जाने नहीं तू बिड़ू। गोर गोर मेरा तू शबाब देख ले, होठ से तू मेरे शराब चख ले,
हुआ हक्का हुआ इक्का हुआ हक्का हुआ हक्का हुआ दूर दूर मुझसे क्यों जाता है तू याहू याहू ओले ले याहू याहू इस दिल दरिया में डूब जा तू याहू याहू ओले ले याहू याहू दिल ये कहता है शोला बढ़ता है मिलने की आई घड़ी बचना मुश्किल है देखो अब तेरा बात करता सही गोरा गोरा मेरा तो शबाब तक है होठों से तू मेरे शराब चख ले पहले वादा तू उस पल का कल क्या होगा किसको पता पहले सलीम भाई शिव सलीम भाई नहीं है शिवा उनको उठा कर ले गया क्या शिव उठा कर ले गया We're sorry, the number you have reached is not in service. सर, आपके कहे अनुसार मैं सलीम को ले आया वाकई आइए सर सलीम या गुड वेरी गुड सर ये सब बाद में सर पहले आप मेरी प्रीति के पास जाकर ये कहिए कि मैं डॉन नहीं हूं मैं पुलिस इन्फॉर्मर हूं ये कहकर उसको मना लीजिए चलिए सर नहीं जाऊंगा क्यों प्रीति मेरी बेटी है इसलिए प्रीति आपकी बेटी है हाँ मेरी बेटी है तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ये मैं पहले ही जानता था तुम जेब कतरे ब्लैक में टिकट बेचने वाले क्रिमिनल हो थू तुम्हें मेरी बेटी चाहिए ना क्यों ए मैं क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल हूँ तुझे पुलिस इन्फॉर्मर बनाकर मैंने सलीम को पकड़ दिया और तुम्हें डॉन बनाकर मैंने अपनी बेटी को बचा दिया अब तुम जाकर मेरी बेटी से ये कहोगे कि तुम डॉन नहीं एक पुलिस इन्फॉर्मर हो वो तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करेगी वो सिर्फ मैं कहूंगा और मैं कहूंगा नहीं मैं तो आपको भगवान समझता था लेकिन आप तो कुत्ते निकले ए, मैं पक्का लोकल हूँ रिवर्स हो गया तो खड़े खड़े चीर दूंगा ज्यादा पूंछ हिलाए बगैर अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो फिर सलीम को ले जाओ ससुर जी 420 ससुर जी तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं इस समय के बाद नो हैप्पी ओनली बीपी आखिरकार तुम एक गुंडे हो एक किलर हो तुमने साबित कर दिया ए,
अपनी बकवास बंद करो, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। एक लवर को अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैप करना पड़ा, इस हालात का जिम्मेदार कौन? ये तुम जानती हो, तुम्हारा बाप। ये कौन है जानती हो? ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल डॉन है। इसे पकड़ने के लिए तुम्हारा बाप मुझे एक पुलिस इन्फॉर्मर बनाकर इसकी गैंग में शामिल होने के लिए कहा। मैं क्या करता? मैंने अपने प्यार की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्हारे बाप ने मुझे इनकी गैंग में शामिल क्यों करवाया तुम जानती हो? ताकि वो एक तीर से दो शिकार कर सके। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हारा बाप पहले से ही जानता था। मुझे तो अभी पता चला कि तुम उसकी बेटी हो। ए, मैं तेरे प्यार में पागल होकर तुम्हारे घर वालों के बारे में जानना ही भूल गया। उस दिन जब मैं पार्किंग में सच्चाई बताने के लिए आया था, तब तुम ये कहकर वहां से चली गई कि तुम्हारी सूरत से ही नफरत है, मेरी बात सुने बगैर गुस्से में वहां से चली गई। तुम्हारे बाप ने कहा कि तुम डॉन नहीं हो, पुलिस इन्फॉर्मर हो। मैं कहूंगा तो मान जाएगी, और बाद में कहता है नहीं कहूंगा। ए, चल तू ही बता, इतनी मेहनत से इसको पकड़ कर लाया तो तेरा बाप इसके साथ मेरा भी गेम बजाना चाहता था। ए, क्रिमिनल ये लोग नहीं है, तेरा बाप है, क्रिमिनल से भी बड़ा क्रिमिनल है वो। तुम्हें ये सब बताने के लिए ही यहां लाया हूं, यकीन दिलाकर तुमसे प्यार जताने के लिए नहीं। मानना है तो मान, छोड़ना है तो छोड़। ए, 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 तो एक मामूली लड़की के लिए मेरे को म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते की तरह उठा के लाया। मेरे को एक बार, सिर्फ एक बार इशारा करता, ऐसी हजारों लड़कियों की लाइन लगवा देता। ए, मेरे प्यार को घटिया समझा है? घटिया तो तू है। हजारों लड़कियां खड़ी कर सकता है तो तू इसका प्यार दिलवा सकता है? मैं अपने प्यार के खातिर तेरे जैसे डॉन को उठाकर ला सकता हूँ तो मेरी प्यार की कीमत क्या होगी तू समझ गया होगा। इधर उधर बम रखने जैसा सस्ता नहीं है मेरा प्यार। वेरी गुड, क्या हिम्मत है तेरी, एक लड़की के खातिर तूने मेरे को यहाँ पर उठा कर लाया। तेरा जिगर कमाल है। आई लव यू, तुम्हारी मुझे जरूरत है। देखो अब भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ और इस लड़की के साथ तेरी शादी भी करवा देता हूँ। तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, ओके? मैंने एक बार जुबान दे दी तो दे दी, वो काम खत्म होने तक मैं खुद का कहना भी नहीं मानता। Thank you.
नो बीपी, बिंदास रहने का।